नमस्कार, मैं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज स्टेशन। अब बात करते हैं अग्निपथ की। बिहार के समस्तीपुर में संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी में आईईडी बम बरामद हुआ है। याद हो कि अग्निपथ योजना के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा करते हुए यहां उपद्रवियों ने ट्रेन फूंक डाली थी। अब जाँच के दौरान ट्रेन की एसी कोच में आईईडी बरामद हुआ है। पुलिस को आशंका है कि अग्निपथ के विरोध की आड़ में इस खतरनाक बम के जरिए पूरे शहर को दहलाने की बड़ी साजिश रची गई। अब इस मामले की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने जानकारी दी है कि जांच पूरी होने के बाद ही बताया जा सकता है कि उक्त सामग्री विस्फोटक है या कुछ और। उन्होंने इसे सिर्फ सामग्री बताया है। इस पर रेल थाने की पुलिस और आरपीएफ भी कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है। हालांकि लाइव हिंदुस्तान ने अपनी खबर में इसके आईईडी विस्फोटक होने की बात कही है। समस्तीपुर में बिहार के बाकी इलाकों की तरह अग्निपथ के विरोध में अराजकता फैलाई गई थी। उपद्रवियों ने मोहदीजनगर में लोहित एक्सप्रेस और समस्तीपुर में आउटर पर खड़ी बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में जमकर तोड़फोड़ की और लूटपाट भी मचाई थी। साथ ही इसे आग को हवाले भी कर दिया गया था। बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन की जिन बोगियों को उपद्रवियों ने जला दिया था, उसी की बगल वाली एक बसी बोगी में भी बम बरामद हुआ है। जांच के दौरान इस बम को आरपीएफ के हवाले कर दिया था। उस कोच को आग से बचाने के लिए जवान और कुछ स्थानीय लोगों ने मिलकर जलती बोगियों से अलग कर दिया था। खबर में बताया गया है कि ये बम इतना शक्तिशाली है कि विस्फोटक होता तो सिर्फ पूरी की पूरी ट्रेन उड़ जाती, बल्कि स्टेशन के आसपास के सारे घर भी क्षतिग्रस्त हो जाते। इसे संयोग ही बताया जा रहा है कि बम विस्फोट में उपद्रवी सफल नहीं हो पाए। समस्तीपुर के खेल मैदान में इस उपद्रव के एक दिन पहले साजिश के लिए बैठक भी हुई थी। इसमें ही पूरी योजना तैयार की गई। बिहार में तमाम कोचिंग संचालकों भी शक की सुई घूम रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज स्टेशन।